बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वागत यात्रियों का होगा, तो स्वागत क्रम को यहाँ पर विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में मैं माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, मंत्री पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन, आपसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया आए और अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी। जय। आज के इस पावन मंच पर हमारे जननायक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक और त्रेता के श्रवण कुमार की पावन परंपरा को पुनः प्रारंभ करने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन है। पूरा मंत्रिमंडल आज मंच पर मौजूद है। आप सबके सम्मान में, आप सबकी सेवा में, आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम में से कोई भी स्वागत नहीं कराएगा। आज हम सब आपके स्वागत, आपकी सेवा, आपको बेहतर व्यवस्था देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरे पूरे मंच पर आज आदरणीय यहाँ कृष्णा जी विराजमान है, बिसाहू लाल जी, साहू जी, भूपेंद्र सिंह जी, यशोधरा जी, जगदीश जी, तुलसी सिलावट जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रभु राम जी चौधरी जी, आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, राम खिलावन जी, आदरणीय रामपाल जी और भाई रामेश्वर जी, ये संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज आप सब तीर्थयात्रियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने आया है। और भगवान शंकराचार्य ने तीर्थाटन की जो पावन परंपरा प्रारंभ की थी, उसी का ये शुभारंभ है कि देश के नागरिक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में स्थित चारों धाम के दर्शन करें, अपने देश की धर्म, संस्कृति, परंपरा, आचार विचार, व्यवहार को जानें और एक अखंड राष्ट्र के निर्माण में सहायक बन सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी सेवा में कहीं कोई कमी ना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीसियों बार बैठक की है तीर्थ यात्रा जाने से पहले कि कैसे यात्रियों की सेवाओं के लिए हम अन्य चिकित्सकों की टोली साथ में जा रही है, एक भजन मंडल भी जा रहा है जो सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त संध्या के पाठ करेगा, भजन सुनाएगा, बीच में सुंदरकांड भी आप सबकी सेवा में प्रस्तुत होगा। आज सारा मंत्रिमंडल तुलसी माला से आपका अभिनंदन करने वाला है और आपसे हमारी भी प्रार्थना है कि आप जब तक जिए प्रदेश और देश की सुख समृद्धि और संतुष्टि के लिए एक माला ओम नमः शिवाय की नित्य जाप करें, ये आपकी बेटी आपसे प्रार्थना करती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज पहली यात्रा में मुझे जाने का मौका मिला। मैं जानती हूँ एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति बहुत मुश्किल अपने माता पिता को चारों धाम करा पाता होगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज हजारों हजार माता पिता के साथ काशी विश्वनाथ जाते हुए आपकी सेवा का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। साथियों, ये पावन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2012 से प्रारंभ की थी और 2018 तक 740 ट्रेनों के माध्यम से 7,40,000 लोगों को हमने तीर्थ यात्राएं कराई थी। इस बार कुछ नई तीर्थ यात्राएं भी जुड़ी हैं, पावन भूमि अयोध्या की यात्रा भी इसमें जुड़ी है और पंचतीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उनको भी जोड़ने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम सब आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आपका साथ, आपका आशीर्वाद मध्य प्रदेश को देश के सर्वोच्च प्रदेश में की पंक्ति में ले जाकर खड़ा कर दे, ऐसा आशीष आप देना माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे बात करेंगे, बहुत आपका धन्यवाद, आपका अभिनंदन।
आपको प्रणाम। मैं आपकी सेवा के लिए पूरी ट्रेन में आपके साथ चलने वाली हूँ। बोलिए भारत माता। संघ फूक गया है। बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ की। मैं तो साथ ही हूं। आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है। सब खुश हैं? हैं तो बोल के बताओ, सब खुश हैं? ये हमारे तीर्थ यात्री, हमारे काका, हमारे दादा, हमारी माई, आज जीवन का अद्भुत सुख प्राप्त करने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन का। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी, जो आज आपके साथ जा रही हैं, मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री आपको तीर्थ यात्रा कराने आपके साथ जा रही है, धर्मस्व विभाग भी उनके पास है, बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, ताली जोर से बजाएं, ऐसे गाय को बजा रहे। हमारी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री, उनको बोलना था लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ही बोलूं, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, दादा विसाहूलाल सिंह जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, भाई विजेंद्र सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम जी, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी। रामेश्वर जी ने आज फोटो बड़े अच्छे लगाए हैं। रामपाल सिंह जी, वरिष्ठ मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के, आदरणीय वन मंत्री भाई विजय शाह जी, हमारे मंत्री भाई राम खिलावन पटेल जी, वित्त मंत्री जिनसे तीर्थ यात्रा के लिए हम पैसे मांगते रहते हैं, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, बहन कृष्णा जी, जिलाध्यक्ष भाजपा सुमित जी, आदरणीय यशपाल जी, अरे एक कुर्सी यशपाल जी की भी आगे लगाओ भाई, एक और ले आओ इधर बगल में लगा दो, भाई यशपाल सिंह सिसोदिया जी, यात्रा पर जा रहे सभी हमारे सहयोगी कर्मचारी अधिकारीगण, आपके साथ मंत्री भी जा रही है और कर्मचारी भी, आपकी यात्रा ठीक से हो सके इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, सरकार आपकी सेवा में उपस्थित है। मुझे याद आ रहा है वो दिन जब हमने बुजुर्गों की पंचायत बुलाई थी सीएम हाउस में, ये 2011-12 की बात है, सीनियर सिटीजन पंचायत, और तब हम पूछ रहे थे कि बताओ क्या क्या काम करना चाहिए बुजुर्गों के लिए, तो कोई कह रहा था वृद्धाश्रम खोल दो, कोई कह रहा था वहां लाइब्रेरी की व्यवस्था भी कर दो, कोई कह रहा था थोड़ा बहुत उसमें खेलने की ऐसी व्यवस्था हो जाए कि टाइम कट जाए बुढ़ापे का। लेकिन एक बुजुर्ग खड़े हो गए, वो कहने लगे बेटा शिवराज, अरे ये लाइब्रेरी माइब्रेरी रोटी मोटी तो छोड़, तू तो मरने के पहले एक बार तीरथ करवा दे रे बेटा, तीरथ करवा दे। बात मेरे कलेजे में बैठ गई, उनकी तरफ मैंने देखी, उनकी आंखें, उनका चेहरा कह रहा था रोटी वोटी तो मिल जाएगी लेकिन मरने के पहले अगर भगवान के दर्शन कर लिए तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और तब हमने तय किया 2012 में
कि सरकार तीर्थ यात्रा करवाएगी। अब हमने तय किया कैसे जाएंगे, तो तय किया रेल से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन में सारी व्यवस्था, चाय, नाश्ता, भोजन, पीने का पानी, डॉक्टर, ध्यान रखने वाले वो भी संग जाए। फिर जहां उतरे तीर्थ यात्रा में, वहां तीर्थ पे उनके रुकने की, भोजन की, विश्राम की सब व्यवस्थाओं, और पूरे सम्मान के साथ दर्शन कराएं। अगर काशी जाए तो गंगा जी भी नहाए, हरिद्वार जाए तो गंगा जी भी नहाए, और फिर वापस लेके आदर से उनको यहां लौटा के लाएं और घर भिजवाएं। ये तीर्थ यात्रा बनी। अब पहले हमने तय किया था कि बुजुर्ग जाएंगे, तो ये तय नहीं किया था कि पति जाएंगे तो पत्नी भी जाएगी। अब कई बार क्या हुआ कि जब सिलेक्शन हुआ आवेदन में, तो पति का हो गया, पत्नी छूट गई, तो फिर मुझे कहा कि अरे बेटा, अरे मैं डुकरिया हूं, दादे के संग चले जान दे तेरे, अलग अलग मत कर बेटा, संग करवा दे रे। तो हमने तय किया कि दादा और बहू डुकरा डुकरिया संग ही जाएंगे। एक का सिलेक्शन हो गया तो दो ही जाएंगे। अच्छा फिर क्या, जरा बुजुर्गों का सिलेक्शन तो 60 तो सबसे कम उम्र है, 60 से ऊपर के, तो फिर 70-80 के भी, तो फिर 2-4-5-10 ट्रेन निकल गई, तो फिर मांग आई। और मुझे कहा कि बेटा क्या, अरे कल लग डुकरा डुकरिया है, कहीं ट्रेन से उतरबे में हाथ भी पकड़नो पड़े, ध्यान भी रखनो पड़े। तो कहले एक बात और कर दे कि जो ज्यादा बुजुर्ग है उनके साथ एक और कर दे संग, तो ढंग से यात्रा करवा दे, दर्शन पर्सन। बोले गंगा जी में नहा गए और कहीं भाई खिसक गए तो पकड़े कौन हमें। तो हमने कहा ठीक है, अब जरूरत है, ज्यादा बुजुर्ग है तो एक और संग सही। लेकिन हम क्या करें, 18 में सरकार नहीं बनी, तब तक जैसा उषा जी बता रही थी 7,40,000 बुजुर्गों को यात्रा करवाई, तो बीच में यात्रा बंद हो गई। फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में बुजुर्गों को भेज नहीं सकते थे, लेकिन आज वो शुभ दिन फिर से आया है, आज से फिर तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है। और अब ये ट्रेनें रुकेंगी नहीं, एक के बाद एक ट्रेनें मेरे बुजुर्गों जाती रहेंगी, आपको तीर्थ दर्शन कराती रहेंगी। मैं जानता हूं कई परिवार नहीं कर पाते अपने आप अकेले तीर्थ यात्रा, कई बार गरीबी के कारण नहीं कर पाते, और कुछ ने तो जाके कि वो मुरह करवा ही नहीं रहो, बेटा नहीं करवा रहा, तू ही करवा। तो सचमुच में अद्भुत आनंद होता है। देखिए जिंदगी का ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है तीर्थ दर्शन। चार चीजें हमारे अंदर है, हम एक शरीर हैं, शरीर है तो शरीर सुखी रहना चाहिए, अपने का पहला सुख निरोगी काया। तो शरीर कैसे सुखी रहे, तो मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, 1 रुपया किलो हम भी दे रहे हैं, गरीबों के मकान बनवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, कोई को झुपड़िया में नहीं रहने देंगे। और अभी तो एक काम और कर रहे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि हम एक काम और कर रहे हैं अभी, कि जो कई प्रभावशाली दादा गुंडे, उनने बड़ी बड़ी जमीनें इधर उधर हथिया ली, तो हमने तय करी कि इन पे तो भैया बुलडोजर चला के जमीन छुड़ा लो इनसे। तो बताओ छुड़ानी चाहिए कि नहीं, और छुड़ा के अब वो जमीन गरीबों में बांटेंगे हम, तो ये पुण्य का काम होगा कि नहीं। तो जितनी जमीनें छूट रही है, भोपाल में भी कल बड़ी कार्रवाई हुई है, पता नहीं कितने करोड़ की जमीन मुक्त हुई है, 350 करोड़ रुपया की जमीन पे कब्जा कर लिया था हमने, वापिस छुड़ा ली। भैया इन लोगों को जो बाहुबल के आधार पे, प्रभाव के आधार पे कब्जा कर लेते थे,
उनसे वापस लेके गरीबों का भला करना है अपन को, सही बात है। तो वहां गरीबों के मकान और बाकी व्यवस्थाएं करेंगे, मकान भी बन जाए, बीमारी के इलाज की भी व्यवस्थाएं, वो सारी चीजें चल रही है। तो शरीर के सुख की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, हम लोग यहां कर रहे हैं। अब दूसरी चीज, केवल शरीर से काम नहीं चलता, मन भी प्रसन्न रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो मन की प्रसन्नता के लिए अलग अलग कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, आनंद उत्सव मनाते हैं, बहुत से कार्यक्रम होते हैं। संस्कृति विभाग लगातार कार्यक्रम करता रहता है, अलग अलग लोक नृत्य से लेकर भजन मंडली तक, तो उससे मन का आनंद मिलता है। फिर तीसरी चीज है बुद्धि, बुद्धि का सुख भी चाहिए। तो बुद्धि के सुख के लिए स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वो सब चल रहा है ताकि पढ़ लिख के बुद्धि को और बेहतर बना के हम आगे बढ़ सकें, देश को आगे बढ़ा सकें। लेकिन इन तीनों सुख से भी एक सुख और है, वो है आत्मा का सुख। आत्मा का सुख है कि नहीं? आत्मा भी प्रसन्न रहनी चाहिए। और आत्मा कैसे प्रसन्न रहेगी? आत्मा प्रसन्न रहती है दूसरों का भला करने से। भूखे को भोजन दे दो, कितनी खुशी होती है, होती कि नहीं होती? प्यासे को पानी पिला दो, बिना पढ़े को पढ़ा दो, कई ऐसी चीजें हैं। लेकिन आत्मा का सुख मिलता है एक भगवान के दर्शन में। हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे। अरे पिछली बार जब हम गए वहां और बैठे काशी विश्वनाथ के सामने तो सब भूल ही गए, इतना आनंद आया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आत्मा गदगद और प्रसन्न हो जाती है, और आत्मा भगवान में लग गई तो जीवन ही सफल हो जाता है। और इसलिए ये तीर्थ यात्रा, कई लोग कहते हैं, पत्रकार मित्र कह सकते हैं, सब नहीं कहते, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि ये तीर्थ करवा रहे हैं, इससे क्या फायदा? अरे ये फायदा तुम नहीं समझोगे, एक बार भगवान में लौ तो लगा के देखो, तब समझ में आएगा कि तीर्थ यात्रा क्या है। जीवन धन्य हो जाता है। राम का नाम, भगवान का नाम, परमात्मा का नाम सचमुच में हमारे जीवन को अद्भुत आनंद से भर देता है। और हमारे यहां तो कही जाए कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और इसलिए अद्भुत है ये यात्रा। यहां से गाते बजाते, भजन करते, भजन अजय मंडली जा रही कि नहीं दीदी? अरे होन दो, बीच में सुंदरकांड चले, भजन चले, आनंद से जाओ, बाकी सब चीज भूल जाओ। घर पर ध्यान व्यान मत लगाओ, नहीं तो जाओ तीर्थ यात्रा, सोचे पता नहीं मोड़ा को क्या हो रहा हो, रोटी खाई का नहीं बात है, अब ये भूल जाओ मोड़ा मोड़ी, अब तो केवल परमात्मा ध्यान रखो, अद्भुत आनंद आएगा। खूब प्रेम से दर्शन कीजिए, यात्रा कीजिए, और खूब आनंद से आइए। और आने के बाद तीन चार काम जरूर आपको बता रहा हूं, बता दूं? अब कहोगे तो बताऊंगा, बता दूं? आने के बाद तीन चार काम, जैसे एक काम गांव में कहना कि भैया धरती बचाना है तो साल में एक पेड़ जरूर लगाओ, धरती हरी भरी रखो, धरती माता, सही बात है। दूसरा गांव में आके कहना कि कोई दारू मत पियो, नशा मत करो। अब तीर्थ यात्रा करके आओगे तो आपका कद बढ़ जाएगा, तो आप समझाने की भूमिका में रहोगे, दर्शन का आनंद भी बताना, और कहना कि नशा छोड़ दो, नशा नाश की जड़ है, यह सिवाय नुकसान के कुछ नहीं करता, तो अपना नशा मुक्ति का काम होने लगेगा। तीसरी चीज सबसे कहना कि जितना बेटों को मानते हो उतने बेटी को भी मानो, बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। और बेटी की इज्जत, मान सम्मान, कोई के घर बेटी पैदा हुई तो कह रहे ढोल बजा, बढ़िया भजन करवा, बेटी आई, लक्ष्मी आई है। तो बेटी को बोझ नहीं,
बेटी वरदान बनने लगे, ये कोशिश भी हम करें, गांव में अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें, सब सही रास्ता पे चले उसकी कोशिश करें, पानी बचाने की बात, बिजली फालतू ना जलाने की बात, तो गांव का भी भला हो जाएगा। आज आप सबको शुभकामनाएं। क्या मैं तो बेटा ही हूं कि नहीं? अरे बेटा हूं कि नहीं मैं? तो हम तो आशीर्वाद मांग रहे हैं। आओ जाने के पहले एक भजन हो जाए, हो जाए तो मैं गाऊंगा, तुम भी गाना, सब गाएंगे, और जोर जोर से गाना, सरवाना मत, ठीक है? तो चूंकि अब आपके जाने का काम हो रहा है, इसलिए दो तीन मिनट भजन कर लें अपन। बोलो राम भजन सुखदाई, जपोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजोरे मेरे भाई, जन आई, जीवन दो दिन का। शिव जी का भजन सुखदाई, जपोरी मेरी माई, ये जीवन दो दिन का। सिद्धि का जपन सुखदाई, भजोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। पानी लगत गल जाई, जपोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। पानी लगत गल जाई, भजोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, जपोरी मेरी माई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। पानी मिलत बह जाई, जपोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। पानी मिलत बह जाई, भजोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। भोला भजन सुखदाई, जपोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। भोला भजन सुखदाई, भजोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, हर हर महादेव। अब यहां से आपको निर्देश मिलेंगे, एक एक करके यात्री अपने डिब्बों में जाएंगे, कर्मचारी निर्धारित डिब्बों में ले जाएंगे और उसके बाद आपका माला से स्वागत होगा। हम सब मिलने आपसे आएंगे बोगियों में और फिर झंडा दिखा के झंडी दिखा के ट्रेन रवाना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार आपके उद्बोधन के लिए। अब आदरणीय देवी सज्जनों, अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किए जाने में तीर्थ यात्री गणों को मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। सर पहला नाम है श्रीमती बल्लोबाई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित होने वाली प्रथम महिला श्रीमती बल्लोबाई तीर्थ यात्री हैं ये। इनको शॉल श्रीफल से और तुलसी की माला से इनका सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों के साथ आप सभी के साथ। दूसरा नाम श्रीमती कमलाबाई। फूलों से श्रीमती बल्लोबाई का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। दूसरा नाम श्रीमती कमलाबाई, शॉल श्रीफल के साथ सम्मानित होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती कमलाबाई का सम्मान कर रहे हैं। ये सभी तीर्थ यात्री हैं, आज काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए वाराणसी के लिए रवाना होंगे। तीसरा नाम श्रीमती लीलाबाई। श्रीमती लीलाबाई सम्मानित होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शॉल श्रीफल और फूलों से और तुलसी की माला से उनका सम्मान किया जा रहा है श्रीमती लीलाबाई। चौथा नाम श्रीमती रामकलीबाई। श्रीमती रामकलीबाई रामकलीबाई का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी माताएं माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देते हुए और वे खुद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का फूलों से स्वागत कर रही हैं। श्रीमती रामकलीबाई के बाद श्रीमती इमरत बाई। श्रीमती इमरत बाई काशी धाम की यात्रा करने वाली श्रीमती इमरत बाई आज यहां पर सम्मानित होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शॉल श्रीफल के साथ फूलों के साथ वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। श्रीमती इमरत बाई के बाद श्रीमती सावित्री बाई। श्रीमती सावित्री बाई सावित्री बाई के बाद श्रीमती रुक्मणी बाई। श्रीमती रुक्मणी बाई
उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल व श्रीफल के साथ साथ में सुश्री उषा ठाकुर जी माननीय मंत्री धार्मिक धर्मस्व विभाग श्रीमती रुक्मणी बाई के बाद नाम आता है श्रीमती राधाबाई। श्रीमती राधाबाई को भी माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल व श्रीफल से माननीय मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। श्रीमती राधा देवी के बाद अगला नाम माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी भी तीर्थयात्रियों से आशीर्वाद लेते हुए उनका स्वागत करते हुए श्रीमती गंगीबाई अगला नाम राधा देवी के बाद और आखिरी नाम श्रीमती राम कुंवर बाई। श्रीमती राम कुंवर बाई सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। आपको सूचित किया जाता है कि आप रेल का समय होते जा रहा है, आप अपनी अपनी बोगी में बैठते जाएं। आप सभी से निवेदन है ट्रेन का समय होने वाला है, आप अपने अपने बोगी की तरफ प्रस्थान करें। थोड़ी देर में मंत्रीगण आपके साथ जुड़ेंगे, आप अपने अपने बोगी की तरफ प्रस्थान कीजिए। आप सभी यात्रीगणों से अनुरक्षक अपने अपने यात्रियों के साथ जाने का कष्ट करें बोगी की तरफ। सभी यात्रियों के साथ अपने अपने अनुरक्षक चले जाएं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के सभी यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और आप सभी की यात्रा शुभ हो ऐसी हम कामना करते हैं। सभी यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी यात्रा शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ आज हो चुका है। आपको बता दें कि 974 यात्रियों को लेकर ये ट्रेन रवाना हुई कमलापति स्टेशन से। ये सीधी तस्वीरें पहली ट्रेन आज रवाना हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सिलसिला अब कभी नहीं रुकेगा, ये ट्रेन निरंतर ऐसी ही जाएगी और यात्रियों को दर्शन कराएगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि एक उम्र बाद हमारी बस यही इच्छा होती है कि हम भगवान के दर्शन करें और यही इच्छा इन सभी लोगों के दिलों में है और यही वजह है कि ट्रेन आज रवाना हो रही है और आज ये सभी भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की आज से शुरुआत हुई है। इसके साथ ही सीएम ने सभी को शॉल उड़ाकर और फल देकर सभी का स्वागत किया। जाने से पहले सीएम ने एक भजन भी गाया और साथ ही सीएम ने कहा कि आप सब बहुत ही खुशहाल रहें और आपकी ये यात्रा सुगम रहे, बस यही कामना करते हैं। आपको बता दें कि 350 करोड़ की भगवान का नाम जीवन को अद्भुत बना देता है। सीएम ने कहा श्रद्धालुओं को सीएम ने 3 से 4 काम दिए, बेटी वरदान बनने लगे ये कोशिश करें, बेटी आई है तो लक्ष्मी आई है ये सोच रखें। और श्रद्धालुओं को सीएम ने शुभकामनाएं दी, साथ ही
प्रार्थना की कि आप सभी की यात्रा सुगम रहे। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहली ट्रेन से रवाना हो रहे हैं। कमलापति स्टेशन की ये तस्वीरें जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और इस ट्रेन से रवाना हो रहे हैं। 974 यात्रियों को लेकर ये ट्रेन है, जो पहली ट्रेन है ये रवाना हो रही है कमलापति स्टेशन से। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या यहां पर महिलाओं की, बुजुर्गों की नजर आ रही है, जो कि भगवान के दर्शन करने के लिए निकले हैं। और सीएम ने कहा कि ये तो पहली ही ट्रेन है, लेकिन इसी तरह ट्रेन लगातार चलती रहे और ये सिलसिला न रुके, इसकी कोशिश की जाएगी। लगातार सभी श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सके, बस यही मंशा है। तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे सभी लोग, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ट्रेन में बैठे जा रहे हैं सभी। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी को संबोधित किया और कहा कि आप सभी की यात्रा सुगम रहे, बस यही प्रार्थना करते हैं। सीएम ने सभी को शुभकामनाएं देकर पहली ट्रेन को रवाना कर दिया है। ये ट्रेन काशी विश्वनाथ पहुंचेगी, जहां बाबा काशी के सभी श्रद्धालु दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि सीएम ने साथ ही ये भी वादा किया कि ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और इसी तरह लोग भगवान के दर्शन कर सकेंगे और सभी यात्री बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम ने श्रद्धालु से कहा कि 2 से 3 का मैसेज इसे आप हमेशा याद रखें, बेटी को वरदान समझें, बेटी आई है तो लक्ष्मी आई है, इस तरह की सोच रखें ताकि बेटियां बोझ न लगें।